क्या आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या फिर आप इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जिससे आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इंफोडॉक्स पे। आज के इस वीडियोस में, हमारी इस सीरीज में, जिसमें मैं आप लोगों से स्ट्रेटजीज शेयर करता हूं रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रेड्स, डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड। इवेंट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है। इवेंट मैनेजमेंट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कवर होती हैं। कुछ लोग अलग अलग स्पेसिफिक नीशेस पे काम करते हैं, जैसे कुछ लोग कॉरपोरेट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ लोग जो है कुछ ट्रेडिशनल या कुछ मोटिवेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ लोग खाली वेडिंग और पार्टी रिलेटेड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज मैंने देखी हैं जो ये सारे तरह की चीज़ें कंबाइंड ऑर्गेनाइज कराती हैं। तो आज का जो ये वीडियो होगा, इसके अंदर मैं आप लोगों से सारी स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा किस तरह से आप बेहतर तरीके से अपने इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं डिजिटली यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग से अगर आपका इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्टिंग भी है, आपने जस्ट स्टार्ट किया, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तब भी मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप उसको खुद से या फिर एक प्रॉपर एजेंसी हायर करके कर सकते हैं। और हम भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और ये सारी स्ट्रेटजीज जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये हमने प्रैक्टिकली अप्लाई की हैं, वही चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जो चीज़ें मैंने अपने इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए अप्लाई करी है और हमें उसमें सक्सेस मिली है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप किसी तरह की और भी आगे काम के आने वाली इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं क्या ये स्ट्रेटजीज है। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजीज आप लोगों से शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को फिर अगेन ये बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटजीज डिजिटल मार्केटिंग की हर स्केल का बिजनेस अप्लाई कर सकता है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस थी उसके लिए आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बट डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई करने के लिए आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मेहनत से भी कर सकते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आज इन स्ट्रेटजीज में मैं आप लोगों से डिटेल में शेयर करूंगा, तो इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर आप इनकम्प्लीट स्ट्रेटजीज देख लेंगे, आप प्रॉपरली सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप फ़ायदा करने के बजाय अपना नुकसान करा सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको अपना टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं और आप कोई स्पेसिफिक नीश के अंदर अपनी एक पकड़ बना लेते हैं तो वो एक्चुअली ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑल्दो आप सब तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, बट ऐसा होना चाहिए कि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के इवेंट्स के लिए जाने जाएं और उसके लिए लोग एक्चुअली आपको समझे कि आप एक्चुअली एक्सपर्ट हैं। वो किसी तरह का भी इवेंट हो सकता है, वो पार्टी वेडिंग से रिलेटेड हो सकता है, वो इवेंट्स कॉरपोरेट हो सकते हैं, वो एजुकेशन रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फील्ड के अंदर एक्चुअली आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जिससे कि एक्चुअली आप जल्दी लोगों में पॉपुलर हो सकते हैं, और एक्चुअली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सक्सेस टिप भी है। तो आप एक्चुअली अपना टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे। इवन अगर आप मल्टीपल नीशेज में काम करना चाहते हैं इवेंट मैनेजमेंट की, तब भी आप स्टार्टिंग करें किसी एक ऐसे पर्टिकुलर फील्ड या नीश से जिसको एक्चुअली आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सारी जगह अगर आप हाथ पैर मारेंगे और कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होंगे तो वो एक्चुअली एक सही चीज़ नहीं होती। और इनफैक्ट डिजिटल मार्केटिंग में आप एक एक चीज़ के अंदर धीरे धीरे ग्रो करते हैं, अपनी प्रेजेंस ग्रो करते हैं। तो बेस्ट यही है कि जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं उसी को आप पहले टेकअप करके चलिए प्रमोट करने के पर्पज से, और जैसे जैसे आप उसके ऊपर सक्सेस हासिल करते जाएं बाकी सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। तो एक बार आपने एक्चुअली अपना टारगेट मार्केट, अपना क्लाइंट समझ लिया, तो उसके बेसिस पे ही आगे की सारी स्ट्रेटजी
वर्क करती है, उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि किस तरह से आपको आगे अपना प्रमोशन करना है। ऑल्दो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी यूज कर सकते हो, जो कि एक्चुअली आज के डेट में बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता, काफी एक्सपेंसिव होता है और काफी सारे और ड्रॉबैक्स हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। तो हम डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, जिसको आप खुद भी कर सकते हो। आप इसके लिए एक एजेंसी हायर कर सकते हो अगर आप खुद से इसको नहीं जानते हो, जो कि कॉस्ट इफेक्टिवली आपका ये काम कर दे। बट एक्चुअली सिर्फ कॉस्ट कम हो ऐसा ना हो, एक्चुअली काम भी करे, तभी उसका एक्चुअली फायदा है। जो कि मैंने काफी सारी एजेंसीज ऐसी देखी हैं जो कि प्रॉपर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा रही, कॉस्ट भले ही वो कम लेती हैं, बट हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने कई साल से डिजिटल मार्केटिंग कराया है, बट उनका एक्चुअली कोई भी ज्यादा उसका कोई बेनिफिट उनको नहीं हुआ। इंस्टेड एक प्रॉपर एजेंसी जो कि कुछ टाइम में ही आपको रिजल्ट्स भी डिलीवर करे, अदरवाइज आप इसको खुद से सीख सकते हैं और खुद से कर सकते हैं अगर आपके पास बजट नहीं है। उससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि क्या क्या एक्चुअली आपको करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उन चीजों को सीख सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। आप अगर ये चीजें कराना भी चाहते हैं किसी से, तो भी आपको अगर ये जानकारी है तो डेफिनेटली आप उसके अंदर बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि वो आपका पर्टिकुलर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आप कस्टमर तक रीच नहीं करते हैं, इनफैक्ट कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली रीच करता है और इसकी वजह से आपके कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है। तो कैसे कस्टमर आप तक रीच करता है, सबसे पहले हम एक स्लाइड में इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। सिंपल है, आप खुद भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं और मान लीजिए आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप उसको सर्च करेंगे। आप एक्चुअली डायरेक्टली कंपनी का नेम सर्च नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि किससे सर्विस लेनी है, तो आप सर्विस सर्च करेंगे। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने सर्च किया इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। और ये रिजल्ट्स में से जैसे मान लीजिए नंबर वन पे रिजल्ट है, इसका नंबर दिया हुआ है अगर, तो मैं इसको कॉन्टेक्ट करूंगा, नहीं तो मैं और किसी को कॉन्टेक्ट करूंगा। जैसे आप देख रहे हैं थर्ड रिजल्ट का नंबर दिया हुआ है, इसको मैं डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करूंगा। या फर्स्ट रिजल्ट की मैं यहाँ वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट पे जाकर के उसके बारे में उनसे जान सकता हूँ। और ये जो लिस्टिंग आप देख रहे हैं ये होती है गूगल माई बिजनेस के द्वारा, इसके अलावा भी गूगल की अलग लिस्टिंग होती हैं। और ये होता है लोकल SEO, जिससे आप टॉप पे आ सकते हैं। लोकल SEO मैं सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ, चाहे आपकी एक बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो या आप बिल्कुल अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं। अब आती है स्ट्रेटेजी नंबर टू। आपने अपना ऑडियंस डिसाइड कर लिया, अब आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच आउट करना है। उसके लिए आपको सबसे पहली चीज लेनी है मार्केटिंग बजट। जब आप ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग करते थे तब भी आप अपना मार्केटिंग बजट डिफाइन करते थे, सेम चीज आपको यहाँ करनी है। और तो यहाँ पे मार्केटिंग बजट काफी कम होगा, इनफैक्ट अगर आप खुद से सीख के इसको करेंगे तो वो आपका जीरो भी हो सकता है। ओनली जो चीज लगेगी वो लगेगी आपके एफर्ट, बट अगर आप किसी एजेंसी से काम कराते हैं डेफिनेटली स्पेशलाइज्ड टास्क का रिजल्ट जल्दी मिलेगा, और वो रिजल्ट जो होगा उसके लिए जो लोग काम करेंगे तो उसके बदले आपको उनको कॉस्ट तो देनी ही होगी। जो कॉस्ट एक्चुअली अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो भी उसके अंदर आप एड्स निकालते हैं, प्रिंट्स कराते हैं, उससे काफी कम होगी। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा कॉस्टली है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये चीज एक्चुअली आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को इससे देना चाहूंगा, आप खुद से कैलकुलेट करिएगा। अगर आपको मान लीजिए 5,000 पैम्पलेट्स या ब्रोशर्स छपा के न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट कराने, जो कि एक बहुत कॉमन और बहुत बेसिक चीज है अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्लाई करते हैं, तो आप सोचिएगा एक पैम्पलेट की कॉस्ट क्या आएगी और क्या वो 5,000 पैम्पलेट एक्चुअली उन लोगों तक पहुंचे जिन तक आप पहुंचाना चाहते थे। तो आप इस चीज को सोचिएगा, बट डिजिटल मार्केटिंग में जो भी खर्चा आप करेंगे वो एक्चुअली डायरेक्टली टारगेट ऑडियंस तक हिट करेगा, और उससे आपका एक तो कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा और कॉस्ट तो इतनी लगेगी ही नहीं। तो ये तो मैंने आपसे एक चीज शेयर की थी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, इसके अलावा लोग होर्डिंग्स और बैनर्स और पोस्टर्स, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट बहुत कुछ करते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और इम्पैक्ट उतना नहीं होता है, क्योंकि आपके उस एड को उन चीजों को कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, उसको वो चीज चाहिए नहीं चाहिए। इनफैक्ट लोग एक्चुअली कोल्ड कॉलिंग के लिए अपने यहाँ लोग बिठाते हैं जो कि नंबर्स लेकर के और उनको रेंडमली कॉल करते हैं, तो ये भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। इससे आप ऐसे लोगों से रीच आउट कर रहे हैं, हो सकता है उसको आपकी सर्विस चाहिए हो, बट जिस पॉइंट पे आप उसको कॉल कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे से वो एक्चुअली अनॉय हो जाएगा और आपको ब्लॉक कर देगा। तो ये चीज करना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इनफैक्ट हमें ऐसा काम करना है कि डिजिटली अपने आप को प्रमोट करना है
और जब किसी को आपकी सर्विस की नीड है, वो एक्चुअली में सिंपल है, आज की डेट में हर कोई जाकर के गूगल पे सर्च करता है, और अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप अपनी सिटी में, आपका प्रॉपर वहाँ प्रेजेंस है, तो वो आपको खुद से कॉन्टेक्ट करेगा और इस प्रकार आप लीड्स ले सकते हैं। लीड जल्दी लेने के लिए और भी कुछ तरीके हैं, वो सारे तरीके आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टेप टू है, जब आपने बजट डिसाइड कर लिया, तो मैं चलूंगा लो बजट से। अगर आप स्टार्टअप हैं और आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बजट ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट जो लोग एक्चुअली पहली बार डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्लोली करिए, सीधा हाई बजट में मत जाइए। अगर आपका हाई बजट है भी, आप स्टार्ट करिए लो बजट से, उससे आप देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स के बेसिस पे धीरे 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 ग्रो करिए। तो अगर हम लो बजट की बात करें, तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी वर्क करती है लोकल स्ट्रैटेजी, और वो होती है गूगल मैप बिजनेस की लिस्टिंग, जो कि बहुत कम कॉस्ट में आप कर सकते हैं। आप इसको खुद भी चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 3 से 6 महीने लगते हैं आपके रिजल्ट्स को टॉप में आने में, और ये डिपेंड करता है आपके एरिया में क्या कॉम्पिटिशन लेवल है, कितने लोग हैं आपकी सिटी में, वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर डिपेंड करते हैं। और ये चीज़ अगर आप किसी प्रोफेशनल एजेंसी से कराते हैं, तो इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी कुछ प्रॉपर कीवर्ड्स पे जिस पे लोग सर्च कर रहे हैं, उस पे आप टॉप पे आ जाएंगे, अदरवाइज आप इसको खुद से भी सीख के कर सकते हैं। तो ये है लो बजट के लिए, जिसके अंदर आप लोकल क्लाइंट्स बहुत ईजिली ले सकते हैं। एक बार आपके पास लोकल क्लाइंट्स आने लग जाते हैं, रेवेन्यू आने लग जाता है, आप रेवेन्यू कुछ मार्केटिंग के लिए सेट असाइड कर सकते हैं, और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जंप कर सकते हैं अपने बिजनेस को एक नया स्केल, नई ग्रोथ देने के लिए। और अगर आप एक्चुअली अपनी सर्विसेज अपने सिटी से बाहर भी ले जाना चाहते हैं, तो भी आपकी बाकी की जो स्ट्रेटेजीज अब मैं नेक्स्ट शेयर करूंगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इसका पार्ट टू है जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं रीच योर टारगेट ऑडियंस का। हाई बजट, हाई बजट के केस में एक्चुअली आप अपनी बेस लोकेशन के अलावा भी दूसरी सिटीज में अप्रोच कर सकते हैं, और वहां से भी आप वर्क ले सकते हैं। इसका सबसे पहला जो पॉइंट होगा, वो होगा एक प्रॉपर अपनी वेबसाइट क्रिएट करना। आपकी जो इवेंट मैनेजमेंट का जो कंपनी है, उसकी एक वेबसाइट क्रिएट करिए, और इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप यूज करिए वर्डप्रेस, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा एसईओ फ्रेंडली है और गूगल पे रैंक करता है जल्दी। गूगल लव्स वर्डप्रेस, और क्योंकि ये एसईओ फ्रेंडली टूल है, इजी टूल है, इजीली मैनेजेबल है, इजीली मेंटेनेबल है। आपके पास, अगर आपके पास लोग हैं, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, आप खुद से अगर इसको जानते हैं, सीख के करना चाहते हैं, तो खुद से भी कर सकते हैं, या फिर वर्डप्रेस को करने वाले लोग आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सेकंड है गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग, जो कि मैंने आपको लो बजट में बताया था, वो आपकी एक्चुअली यहाँ पे भी अप्लाई होगी, क्योंकि गूगल के अंदर जो आपकी लिस्टिंग है, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है, वेदर आपका लोकल ऑडियंस है या नहीं है, तब भी आपको एक्चुअली उससे रीच मिलती है। थर्ड है, आपको अब अपना एसईओ कराना है, जो कि एक्चुअली आपकी वेबसाइट का एसईओ होता है। प्रॉपर आर्टिकल्स, प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर वैल्यू लोगों से शेयर करते हो, एसईओ होना चाहिए। चाहे आप उसको खुद करिए, चाहे एजेंसी करिए, उनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत जरूरी है, ये लोकल एसईओ के केस में भी जरूरी है। जो हमने पहला स्टेप डिस्कस किया था, वहाँ पे गूगल मैप बिजनेस की जो स्ट्रेटेजीज हैं, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि गूगल बिना सोशल सिग्नल्स के आपको रैंक नहीं करता है। तो सोशल सिग्नल्स, आपके कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी इसके अंदर ये है कि आपको एसईओ, लोकल एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कराना है, और क्योंकि आपको एक्चुअली ऑर्गेनिकली रैंक करने में टाइम लगेगा आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग्स को, तो आप चाहे तो एड्स रन कर सकते हैं गूगल पे, फेसबुक पे, जिससे कि आप अपने जो भी आपके कीवर्ड पे लोग सर्च कर रहे हैं, उस पे आप टॉप पे आ जाएं, और आपके पास इमीडिएटली लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएं। और इनफैक्ट जो ये सेगमेंट है आपका इवेंट मैनेजमेंट का, इसके अंदर सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो आप एक्चुअली अपनी ब्रांड प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों में एक विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह का एक्चुअली आप इवेंट्स कराते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे आज ही आपकी इवेंट सर्विसेज चाहिए, बट एक्चुअली अगर मैंने आपका ऐड देखा है, मैं आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को विजिट करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं आगे चल के आपकी सर्विसेज अवेल कर सकता हूँ। तो ये थी हमारी हाई बजट स्ट्रेटजीज, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअली अगर रैंक कर जाएंगे ऑनलाइन, तो आप ऐड ना चलाएं। ऐड आप चला सकते हैं, जो आपका सीजन है उस समय पे आप ऐड चला सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, तो ऐड चलाने से आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, कम कॉस्ट में आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब ये सारी जो स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस की हैं, लोकल एसईओ, एसईओ, वेबसाइट, ऐड, इसको हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा और कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं, और कुछ टिप्स और कुछ पॉइंट्स मैं आपसे अगेन शेयर करूंगा
क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप इसको खुद से कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी एजेंसी से भी करा रहे हैं तो भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये पॉइंट्स वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे लोकल एसईओ पे जो कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था और ये बहुत जरूरी है, चाहे आपका बजट कुछ भी हो, आपका लेवल ऑफ कंपनी कुछ भी हो, लोकल एसईओ आपको जरूर कराना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हमने सर्च किया तो आप मैप्स के साथ जो ये रिजल्ट देखेंगे इसे हम लोकल रिजल्ट कहते हैं जो कि सबसे पहले आते हैं गूगल में। इसके नीचे फिर आपके जो वेबसाइट से रिलेटेड रिजल्ट आते हैं वो आते हैं और इसमें एक्चुअली जो पहले तीन रिजल्ट आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं गूगल थ्री पैक्स और इसके अंदर आने के लिए आपको एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि आपकी प्रोफाइल अकेली नहीं है, आपके सिटी में और बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं तो गूगल ये कैसे डिसाइड करेगा कि आपको टॉप पे लाना है किसी दूसरे को लाना है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रोफाइल बनाया है उसके बाद आप उस पर एक्टिव हैं। रेगुलर वे में एक्टिव होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो प्रोफाइल रजिस्टर कर लिया और हमने अपने नाम से सर्च करा तो हम आ रहे हैं, बट आपके नाम से आपको कौन जानता है? अगर आपके नाम से आपको जो लोग जानते हैं वो तो आपको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, बट ऐसे लोग जो कि आपको आपके नाम से नहीं जानते हैं, जो कि किसी को नहीं जानते हैं, वो कीवर्ड से सर्च करेंगे। कीवर्ड से सर्च करने पे अगर आप आ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, आप उसको सर्च करके देखिए। नहीं आ रहे हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस सीरियसली। आप इस वर्क को खुद भी कर सकते हैं सीख के, नहीं तो आप एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया था 3 से 6 महीने के अंदर इसको टॉप पे ले आएगी जो भी मेन कीवर्ड्स हैं। और ये 3 से 6 महीने इस पे होते हैं कि आपके एरिया में कितना कंपटीशन है। ज़्यादा कंपटीशन है, आप मेट्रो में हैं तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा। कम कंपटीशन है, आप छोटी सिटी में हैं तो कम टाइम में भी ये चीज़ की जा सकती है। तो जो एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका लोकल एसईओ करेगी वो सोशल मीडिया के साथ लोकल एसईओ करेगी, जैसा कि हम भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज चाहिए जो कि एक्चुअली गारंटेड रिजल्ट के साथ है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अदरवाइज कोई भी आपके नियर अराउंड जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है आप उसको अप्रोच करें। और मैंने आपको बता दिया कि जिन कीवर्ड्स पे लोग आपको सर्च कर रहे हैं उन पे आपको टॉप पे आना है, तो ये रिजल्ट आप देखें कि कुछ टाइम के अंदर जो भी वो कमिट कर रहे हैं वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए अगर आप एक्चुअली एक हाई लेवल पे रीच आउट करना चाह रहे हैं, तो वेबसाइट से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर आप एक वेबसाइट बनवा रहे हैं चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनवा रहे हैं, वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वर्डप्रेस का ही यूज करिए क्योंकि ये एक्चुअली प्रमोट करने के लिए काम आता है। ये जल्दी गूगल पे प्रमोट होती है वेबसाइट्स, इस पे आप कंटेंट इजीली खुद से भी डाल सकते हैं, ये इसका बेस्ट पार्ट है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कंटेंट के लिए किसी पर डिपेंडेंट रहें। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में ये 13 स्टेप्स 13 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में बनाए वो मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी वेबसाइट को जल्दी ग्रो कर पाएंगे, जल्दी गूगल में रैंक करा पाएंगे। और ये पॉइंट्स एक्चुअली मैंने लिए हैं गूगल की 200 रैंकिंग फैक्टर्स से जो कि एक कंप्लीट गूगल का एक आप कह सकते हैं एक बाइबल है। इसके अंदर गूगल के सारे डूज एंड डोंट्स गूगल ने बताए हुए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जल्दी अपनी वेबसाइट को रैंक कराएंगे, कभी भी वेबसाइट आपकी स्पैम या पेनलाइज नहीं होगी गूगल के द्वारा। और ये 200 रैंकिंग फैक्टर्स से रिलेटेड भी एक कंप्लीट सीरीज मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है वेबसाइट शुड हैव मैंडेटरी पेजेस फॉर गूगल्स ट्रस्ट रैंक। मैंडेटरी पेजेस क्या है? जैसे आपके टर्म्स ऑफ यूज, प्रिवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ये आपके मैंडेटरी पेजेस आते हैं जो कि बहुत सारी वेबसाइट पे मैं मिसिंग देखता हूँ। वेबसाइट शुड बी एसईओ फ्रेंडली विद प्रॉपर ऑन पेज एसईओ। वेबसाइट पे आपका ऑन पेज एसईओ होना चाहिए। ऑन पेज एसईओ अगेन एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको मैं यहाँ नहीं बता सकता, आपको और इसके बारे में जानना है समझना है तो इसका अगेन एक वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। नो ब्रोकन और डेड लिंक्स शुड बी देयर। सो ब्रोकन और डेड लिंक्स नहीं होने चाहिए, मतलब कोई ऐसे लिंक्स नहीं होने चाहिए जिन पे कोई पेज ओपन नहीं हो रहा, कोई लिंक नहीं ओपन हो रहा। ऐसे लिंक्स नॉर्मली लोग ऐड कर देते हैं कि बाद में इस पे पेज डालेंगे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप पेज ऐड करिए तब वो लिंक ऐड करिए, चाहे वो सोशल मीडिया का लिंक हो चाहे कोई और वेबसाइट पे लिंक हो। योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल शुड अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द वेबसाइट, क्योंकि किसी को भी आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए अगर उसको पसंद आती है आपकी सर्विसेज वो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, जो कि एक्चुअली उसको ढूंढने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, हमेशा टॉप पे रहना चाहिए पेज के। इट शुड बी मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड एंड नो एरर्स बाय गूगल क्रॉलर्स। अगर आपके वेबसाइट डिजाइनर ने वेबसाइट बनाई है तो डेफिनेटली गूगल में सबमिट की होगी, नहीं करी है तो करनी चाहिए, वहां से गूगल बताता है कि इस वेबसाइट पे क्या क्या एरर्स हैं क्रॉल करके, उन एरर्स को रेगुलर बेसिस पे रिजॉल्व होना चाहिए।
इसीलिए वेबसाइट एक्चुअली एक ऐसी चीज नहीं है कि एक बार बना लिया वर्क खत्म हो गया, उसका रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट भी होना चाहिए, जो कि आप खुद कर सकते हैं सीख करके, या फिर आप एक एजेंसी को कॉन्स्टेंट बेसिस पे हायर रख सकते हैं जो कि आपकी सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैनेज करेगी। इट्स लोडिंग स्पीड शुड बी 2 to 3 सेकेंड, जो आप चेक कर सकते हैं जीटी मैट्रिक्स करके एक वेबसाइट होती है, उस पर आप जाएंगे तो आप लोडिंग स्पीड इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ये वेबसाइट है जीटी मैट्रिक्स। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे आप अपना URL जब सबमिट करेंगे और टेस्ट योर साइट पे क्लिक करेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट की स्पीड और साथ ही में उसके अंदर क्या समस्याएं हैं वो भी आपको बताएगा, जिसको आप बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं, आपका डेवलपर रिजॉल्व कर सकता है, आप खुद भी चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी वेबसाइट पे SSL होना चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने देखी है जो SSL पे ध्यान नहीं देते हैं, लोग प्रॉपर होस्टिंग यूज नहीं करते, चीप होस्टिंग यूज करते हैं, और प्रॉपर होस्टिंग ना होने से स्पीड भी कभी अच्छी नहीं होगी, डाउन टाइम ज्यादा होगा। SSL ना होने की वजह से गूगल कभी भी आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। SSL आप सिंपल है चेक कर सकते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे मैं आपको अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ इन्फोटॉक्स की, तो आपको टॉप पे जो आपका ब्राउजर है उस पे जो आपका URL है यानी वेबसाइट एड्रेस पे आपको दिखेगा एक लॉक का सिंबल, और अगर ये लॉक का सिंबल है तो दैट मींस आपका SSL है। अगर ये लॉक का सिंबल नहीं है और नॉट सिक्योर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट में SSL इम्प्लीमेंटेड नहीं है, और ये एक्चुअली एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है, और गूगल आने वाले टाइम में नॉन SSL वेबसाइट्स को रैंक कराना बिल्कुल बंद कर देगा। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉक का सिंबल बना हुआ है टॉप पे हमारी वेबसाइट में, और यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है। HTTPS इसका मतलब होता है कि आपकी SSL इम्प्लीमेंटेड है, अदरवाइज यहाँ पे HTTP होगा या फिर यहाँ नॉट सिक्योर लिखा होगा। बहुत बार बहुत से ब्राउजर्स में लिख के आता है दिस पेज कैनॉट बी डिस्प्लेड इनसिक्योर कंटेंट, तो इस तरह की चीज़ लिख के आती है अगर आपके SSL नहीं है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि एक्चुअली SSL आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप एक अच्छी होस्टिंग लेते हैं तो डेफिनेटली SSL उसमें पहले से होता है, उसमें कभी भी कोई डाउन टाइम की दिक्कत नहीं आती है। अगर आप एक अच्छी होस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं कौन सी अच्छी होस्टिंग्स हैं, तो मेरे करीब 18 ईयर्स के इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से कुछ होस्टिंग्स की डिटेल्स मैंने अपनी साइट पे शेयर करी हैं। अगर आप हमारी साइट पे जाएंगे यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में आएंगे, यहाँ आप अपने बजट के हिसाब से अलग अलग होस्टिंग्स देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी साइट पे हाई ट्रैफिक आ रहा हो तो उसके लिए भी यहाँ पे होस्टिंग है। ऑल्दो जब आप एक नई साइट स्टार्ट करते हैं, अगर आपके पास बजट अच्छा भी है तब भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप शेयर्ड होस्टिंग लीजिए, बट अच्छी शेयर्ड होस्टिंग लीजिए। और अगर आपके पास बजट नहीं है और आप साइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप बजट होस्टिंग कम कॉस्ट में भी ले सकते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन है होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, होस्टिंग प्लेटफॉर्म में आपको सारी होस्टिंग्स मिल जाएंगी, बस आपको यहाँ पे जो डिटेल्स हैं ये पढ़नी है, उसके बेसिस पे आप समझ जाएंगे कि कौन सी होस्टिंग आपके लिए वर्केबल है, और उस होस्टिंग को आप ऑप्ट कर सकते हैं, खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। आप इस होस्टिंग को रजिस्टर करें और उसको अपने जो वेबसाइट डेवलपर है उसको खुद से प्रोवाइड कराएं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड कि आपका वेबसाइट डेवलपर आपको कोई भी एक ऐसी होस्टिंग दे दे जो कि एक्चुअली वर्क नहीं करती है। इनफैक्ट हम अपने क्लाइंट्स के लिए कभी भी होस्टिंग्स खुद से परचेज नहीं करते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, अच्छी होस्टिंग सजेस्ट करते हैं, और वो उनको खुद से उनके ईमेल आईडी के थ्रू परचेज कराते हैं, जिससे कि उनके पास उनकी होस्टिंग का कंट्रोल हमेशा रहे। आपके पास आपकी वेबसाइट का कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोगों के पास उनकी वेबसाइट का डोमेन का होस्टिंग का कंट्रोल खुद से नहीं होता है, और जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं। आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पर डलने चाहिए, प्रॉपर SEO होना चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट का फायदा है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है। वेबसाइट बहुत से लोग सोचते हैं कि एक विजिटिंग कार्ड है बिजनेस का, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में वेबसाइट एक मार्केटिंग इंजन की तरह काम करता है, और आपके लिए एक मार्केटिंग के जो आपके एम्प्लॉयज हैं स्टाफ हैं उससे भी बेहतर काम कर सकता है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। अगेन मैंने आपको होस्टिंग के बारे में बताया था, वेबसाइट सिक्योरिटी की आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हैकर जो आपकी वेबसाइट को इजीली हैक कर लेते हैं, और अगर आपके वेबसाइट डिजाइनर ने वेबसाइट सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा है तो डेफिनेटली आप उसके बारे में उनसे पूछ सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वेबसाइट सिक्योरिटी पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो वो वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आप जान जाएंगे क्या क्या चीज़ें उसके अंदर अप्लाई करनी है, आप खुद से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्कीमा मार्कअप और नैप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कि आपका नेम एड्रेस फोन नंबर आपकी सारी
ऑनलाइन जो एसेट्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे गूगल मैप बिजनेस है, चाहे वेबसाइट है, जहाँ भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी होना चाहिए, क्योंकि इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे आप अपनी साइट को रैंक कर सकते हैं। इमेज का साइज कम होना चाहिए तो वो लोडिंग स्पीड एक्चुअली इंपैक्ट करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि आप इमेज के थ्रू अपनी साइट को रैंक करा सकते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगेन वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक्चुअली आप इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप फ्री कंसल्टेशन के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब आपकी वेबसाइट तो बन गई है, वेबसाइट बनने के बाद बारी आती है SEO होने की। बट उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअली में जरूरी है आपके लिए, चाहे आप वेबसाइट बना रहे हो चाहे नहीं बना रहे हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वेबसाइट बनाना इनिशियल लेवल पे जरूरी नहीं है, आप लोकल SEO के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया मार्केटिंग उस केस में भी नेसेसरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए हैं वो हैं लिंक्डइन, फेसबुक, पिंटरेस्ट और आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर। बट इसके अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, कौन सा बेटर है, वो आपको डिसाइड करना होता है। अगर आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप लिंक्डइन को प्रेफर करिए, फेसबुक को हर हाल में रखिए, उससे गूगल को अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं। पिंटरेस्ट आप यूज कर सकते हैं, ऑल्दो पिंटरेस्ट से आपको बाहर का ट्रैफिक मिलता है, बट फिर भी एक अच्छे सिग्नल्स पाने के लिए गूगल से आप पिंटरेस्ट के ऊपर पोस्टिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से आप यंगस्टर्स तक रीच कर सकते हैं, और अगेन इंस्टाग्राम से आपको लीड्स मिलेंगी इन केस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एज वेल। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज्यादातर लोग एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कुछ यूजफुल पोस्ट ज्यादा पढ़ने के। तो इन केस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट आप डेफिनेटली वहां पे अच्छी अटेंशन कैच कर सकते हैं। ट्विटर पे आप कर सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि अगर आपका बाहर का ऑडियंस है तो डेफिनेटली ट्विटर उसमें आपको हेल्प करेगा। बट गाइस, जैसे मैंने इसमें दे रखा है कि कॉशन आपके लिए एक है कि कभी भी एक्चुअली आप लाइक्स और फॉलोज मत खरीदिएगा, ये आपके प्रोफाइल को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। क्योंकि जो भी लाइक्स एंड फॉलोज आप खरीद रहे हैं वो फेक अकाउंट्स के होते हैं, उनको खरीदने से कोई भी ट्रैफिक इंगेजमेंट आपके पेज पे नहीं आने वाला। और इनफैक्ट जो एल्गोरिथम्स हैं उनको ये समझ में आएगा कि आपके जो लाइक हैं, जो फॉलोअर्स हैं इतने ज़्यादा हैं, तब भी आपके पास कोई इंगेजमेंट नहीं आ रहा पोस्ट पे, तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपके लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। इंस्टेड जब आप प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो ये लाइक्स एंड फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली बढ़ते हैं, और जो ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक लोग उस पे ऐड होते हैं, वो डेफिनेटली इंपैक्ट करते हैं आपके इंगेजमेंट में, आपके स्पेस को, प्रोफाइल को ग्रो करने में, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए लीड्स भी लेके आते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज करनी है इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी, ये होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग से। दूसरा होता है आपकी वेबसाइट, आपकी एसेट्स पे ट्रैफिक अच्छा आता है। तीसरा, ये गूगल को पॉजिटिव सिग्नल देता है जो कि मैंडेटरी है प्रॉपर SEO के रिजल्ट्स पाने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, ये सब फायदे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली पोस्ट क्रिएट करने से काम नहीं चलता है, और उसको सबमिट कर देने से भी काम नहीं चलता है। रैंडमली लोग पोस्ट सबमिट करते हैं, बहुत बार लोग सिर्फ फेस्टिवल की पोस्ट सबमिट करते हैं, तो वो एक्चुअली एक्टिव नहीं हुए हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का मतलब है कि आप प्रॉपर यूजफुल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे शेयर करिए। अगर आप मंथ में 4 बार शेयर कर रहे हैं तो 4 प्रॉपर इंटरवल्स पे शेयर करिए, 4 फिक्स इंटरवल पे शेयर करिए। क्योंकि जो भी आपका ऑडियंस है वो वेट करेगा कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ नया कंटेंट आएगा। आप अगर उसको अल्टरनेट डेज करना चाहते हैं तो 15 दिन अल्टरनेट शेयर करिए, डेली करना चाहते हैं तो डेली करिए, बट एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी से उसको करिए। और खाली एक्चुअली पोस्ट करने से काम नहीं चलता, अगर आपको ग्रो करना है तो डेफिनेटली आपके अपनी पोस्ट को प्रमोट भी करना पड़ेगा। आपको रेलेवेंट ग्रुप्स के अंदर, अगर आपका फेसबुक है तो शेयर करना पड़ेगा, आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो आपके रिलेटेड नीचेस के लोगों से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि उनके थ्रू जो उनके फॉलोअर्स हैं वो आपको भी देखें। सिमिलरली पिंटरेस्ट पे भी आपके दूसरे की पोस्ट को आपको ऐड करना होगा, लाइक करना होगा, उनको फॉलो करना होगा। तो उसी तरीके से एक एक्चुअली सिस्टम स्टार्ट होता है जिससे कि आप भी प्रमोट होते हैं। जब आप दूसरे को एक्चुअली वेटेज देंगे तो दूसरा भी आपकी पोस्ट, आपके प्रोफाइल को वेटेज देगा। तो सेम चीज़ लिंक्डइन पे भी अप्लाई होती है। लिंक्डइन पे भी आप एक्चुअली यूजफुल कंटेंट लोगों से शेयर कर सकते हैं कंसिस्टेंसी से। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो आपके ऊपर रीच आउट करते हैं। आप प्रॉपर ग्रुप्स लिंक्डइन में ऐड करें, उस पर अपना कंटेंट शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता चल पाए। खाली
पोस्ट करने से काम नहीं चलता। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें आप लोगों से शेयर किए हैं जिनको आप एक्चुअली फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए, कभी भी कोई आपको सलाह चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, सर्विस चाहिए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइज आएगा SEO, जो कि मैंने आप लोगों से बात की थी, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एक सर्च इंजन है और उसमें जब आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं तभी एक्चुअली वो लिस्टिंग आप टॉप पे लेके जा सकते हैं। आपके अलावा भी हजारों लाखों वेबसाइट्स गूगल पे है, तो गूगल सबको एक्चुअली टॉप पे नहीं लेके आ सकता। जो एक्चुअली प्रॉपर कंटेंट दे रहा है, जो एक्चुअली प्रॉपर प्रमोशन कर रहा है, जिसपे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिटर्स आ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है। और वेबसाइट टॉप पे आती है खाली आपके कंटेंट के थ्रू, जिसको हम इसमें देखेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं सर्च रिजल्ट है कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट के, जिसमें टॉप पे दो रिजल्ट्स हैं कुछ डायरेक्टरीज के, बट थर्ड रिजल्ट एक एक्चुअली ब्लॉग है। आप देख रहे हैं मस्ट नो गाइड टू कॉर्पोरेट इवेंट प्लानिंग, और ये किसी कंपनी है cvent.com, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इन्होंने बनाया है। और ये थर्ड रिजल्ट इसके ऊपर आ रहा है जो कि एक ब्लॉग है, रैंक कर रहा है। तो आप समझ गए हैं कि कंटेंट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर कोई भी जाके सर्च करेगा कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट, तो इस तरह के रिजल्ट्स आपके आएंगे। और ये रिजल्ट कभी भी कोई जाकर के आपके बिजनेस इंस्टीट्यूशन नेम को सर्च नहीं करेगा, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था, वो अपनी इंटेंट को सर्च करेगा, क्या वो चाह रहा है, क्या वो ढूंढ रहा है, उसको सर्च करेगा और उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। तो इसके अंदर आपको जो भी लिस्ट दिख रही है वो सारी लिस्ट आपकी सर्च रिजल्ट्स की हैं, जैसे हमने तीन दिखाई हुई हैं। और SEO के जो रिजल्ट्स हैं वो किन चीज़ों पे वेरी करते हैं, इसके लिए मैंने पांच पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ कंटेंट, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उससे आप रैंक करते हैं। वेबसाइट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये हम वेबसाइट वाले पेज पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो अगेन देख सकते हैं। और अमाउंट ऑफ इंडेक्सिंग डन, किस तरह से आपने उसकी प्रॉपर तरीके से रेलेवेंट सही जगह पे उसकी प्रमोशन की है। क्वालिटी ऑफ इंडेक्सिंग इसी चीज में आती है कि आपने प्रॉपर तरह से प्रॉपर जगह पे उसका प्रमोशन किया है कि नहीं किया है, चाहे वो आप करें चाहे आपका जो भी एजेंसी है वो करे। अगर एक्चुअली आपकी फील्ड है रिलेटेड टू इवेंट मैनेजमेंट और हम उसके रिलेटेड जो पोस्ट हैं, चीजें हैं, वो कहीं ऐसी जगह शेयर कर रहे हैं जहाँ उसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता, तो डेफिनेटली वो क्वालिटी लिंक बिल्डिंग या क्वालिटी इंडेक्सिंग नहीं कहलाएगा। और फाइनली नंबर ऑफ विजिटर्स और ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो ये चीज आपको एक प्रॉपर कॉम्पिटिटर रिसर्च से पता करना है कि आपके कॉम्पिटिटर ने कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग कर रखी है, कहाँ कहाँ उसने रीच आउट कर रखा है, तो उन जगहों पे एक्चुअली आप भी रीच आउट कर सकते हैं। और उसके लिए पेड टूल्स होते हैं, और एक टूल है जिसका नाम है सेमरश, अगर आप चाहते हैं उसको यूज करना 14 डेज का ट्रायल वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। सेम टूल्स के अंदर जब आप आएंगे या हमारे होम पेज पे जाएंगे तो आपको सेमरश मिलेगा। सेमरश पे यहाँ पे क्लिक करके आप 14 डेज का ट्रायल ले सकते हैं, जो कि इन्फोटॉक्स और सेमरश का एक कंबाइंड इनिशिएटिव है। नॉर्मली सेमरश जो काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है इसके डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उसका जो ट्रायल वर्जन है वो 7 डेज का अवेलेबल होता है, बट इस लिंक के द्वारा आपको ये ट्रायल मिल जाएगा 14 डेज का। और आपको एक्चुअली में कार्ड इन्फॉर्मेशन तो शेयर करनी पड़ेगी, बट 14 डेज से पहले वो कभी भी आपका कोई पेमेंट इसमें डिडक्ट नहीं करेंगे। 14 डेज एंड होने पे अगर आप एक्चुअली उसको नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक्चुअली वो आपका कोई भी पेमेंट उसमें डिडक्ट नहीं करेंगे। तो ये है सेमरश, जिसकी मदद से आप अपने कॉम्पिटिटर्स और उन्होंने कहाँ कहाँ लिंक बनाए हुए हैं वो जान सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इन्फोटॉक्स एंड सेमरश स्पेशल ऑफर, ये सेमरश की साइट पे लिखा हुआ है, सेमरश का ही लिंक है ये, और यहाँ 14 डेज का ट्रायल आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाखों वेबसाइट है वेब पे, और आपकी वेबसाइट क्यों रैंक होगी मैंने आपको बता दिया है, वो चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है। अगर आप अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप अगर उसके अलावा कोई और कंसल्टेशन चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनल चीज़ है ऑनलाइन एड्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपसे कुछ और स्ट्रेटजीज डिस्कस करूंगा और फाइनल टिप्स दूंगा, जिसके बेसिस पे आप एक्चुअली फाइनली एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटिंग अपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन एड्स मैंने आप लोगों को बताया था अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे आप यहाँ टॉप पे देख पा रहे हैं ये सर्च एड है, गूगल पे होता है इस तरह से एड लिखा होता है जो भी रिजल्ट्स होते हैं, फेसबुक पे जो एड्स होते हैं उन पे यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, इसी तरह लिंक्डइन पे भी और आपके इंस्टाग्राम पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा होता है।
ये एड्स होते हैं शॉपिंग एड्स, जो कि बेसिकली अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये एड्स एक्चुअली इस पर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं। प्रॉपर एड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ बूस्ट कर देते हैं फेसबुक पे जाकर के, तो बूस्ट एड रन करना नहीं होता है। प्रॉपर एड अगर आप रन करेंगे तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ आपके पास नंबर्स एंगेजमेंट और रीच के फॉर्म में दिखेंगे, जो कि एक्चुअली बिल्कुल भी कोई यूज के नहीं होते हैं। तो आपको पहले तो सबसे पहले प्रॉपर एड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्रॉपर एड ग्राफिक जो होगा या एड टेक्स्ट होगा उसको आपको लेना है, प्रॉपर टारगेटिंग करनी है, फिर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आपका जब एड चलता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं डिपेंडिंग ऑन धीरे धीरे जो भी उसके ऊपर रीच हो रही है उसे आपको पता चलता है कि एड परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, सही कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ऐड में क्या चेंजेस होने चाहिए, और ये प्रॉपर मॉनिटरिंग के द्वारा ही हो सकता है। और इसके अलावा जब आप एक अच्छे अमाउंट का ऐड चला लेते हैं तो डी मार्केटिंग एड्स चलते हैं, जिनके जरिए आपकी कॉस्ट 1/3 तक आ सकती है, क्योंकि जिस ऑडियंस को ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है वो रीच आउट कर चुका है, चाहे वो गूगल हो चाहे फेसबुक हो, उनको वो दोबारा से वो ऐड दिखाता है तो वहाँ कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं और कॉस्ट भी वहाँ पे आपकी ऐड की कम लगती है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये चीज़ें हैं आती हैं अगर आप सालों ऐड चलाएं और उसके अंदर आप अच्छा खासा पैसा खर्च करें। खाली ऐड चलाना सीखना सफिशिएंट नहीं है, जब तक आप ऐड को खुद से चला करके पैसा खर्च करके एक्सपीरियंस नहीं गेन करेंगे तब तक आप एक प्रॉपर ऐड नहीं रन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ जाते हैं अपने स्ट्रेटेजी नंबर 3 जो कि रीमार्केटिंग है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपको रीमार्केटिंग एड्स रन करने हैं, बट इसके अलावा भी अगर आप ऐड नहीं भी रन कर रहे हैं तो ऑर्गेनिकली भी रीमार्केटिंग कर सकते हैं। जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास लीड्स आती हैं और वो लीड्स आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स जो कि लोग कॉल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर्स, ईमेल्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को आपको प्रॉपरली कलेक्ट करना है और उनके साथ यूजफुल कंटेंट शेयर करते रहना है स्टेप बाय स्टेप। आप व्हाट्सएप नंबर पर आप कुछ यूजफुल कंटेंट्स, वीडियोज, कुछ ग्राफिक्स, कुछ टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, टिप्स शेयर कर सकते हैं। उसी तरह ईमेल्स पे भी आप कंटेंट रेगुलरली ईमेल मार्केटिंग टूल्स का यूज़ करके शेयर कर सकते हैं। इसमें से कोई भी प्रॉपर एक क्विक टिप हो सकती है, कोई इवेंट प्लान कर रहा है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अगर इवेंट प्लान करते टाइम कोई फेस करता है तो उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा कुछ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही में आप अपने जो सक्सेसफुल इवेंट्स हैं उनके कैटलॉग वीडियोज शेयर कर सकते हैं, इसमें लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये होती है रीमार्केटिंग। अगर प्रॉपर तरीके से रीमार्केटिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो लीड्स आपके पास आ रही हैं वो आज नहीं तो कल आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जब उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। और इसको कनेक्टेड रहने के लिए आपको उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत साइलेंटली आप कर सकते हैं सिर्फ कंटेंट शेयरिंग के थ्रू। इसके अलावा फ्रेंड्स होती है रीमार्केटिंग, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका रिव्यूज। तो ये जो रिव्यूज होते हैं ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे आप इसको गूगल पे लें चाहे आप फेसबुक पे लें। अगर आप वीडियो रिव्यूज लेते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एटलीस्ट आप गूगल पे तो रिव्यूज ले ही सकते हैं, गूगल पे अपना प्रोफाइल गूगल माई बिजनेस रजिस्टर करके आप रिव्यूज लेने स्टार्ट कर सकते हैं, और ये रिव्यूज आपकी जो गूगल पे सर्च लिस्टिंग है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये है हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजीज रीमार्केटिंग के साथ। और इसके अलावा मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, अगर मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर आप खुद करना चाहते हैं तब भी, आप किसी एजेंसी से कराना चाहते हैं तब भी, कुछ प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। वो प्रिपरेशन क्या होगी ये आप ध्यान से देखिए, इसको हम अभी शेयर करने जा रहे हैं आपसे। तो फ्रेंड ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इंश्योर कर लीजिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कराना चाह रहे हैं, उससे पहले आप उसको आपको करना है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग आप खुद से करिए तो आप प्रॉपरली उसको सीख के करिए, किसी की गाइडेंस में करिए, प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च करिए, जो कि ऑल दो टाइम ले सकता है और रिजल्ट्स आने में भी उसमें टाइम लगेगा, बट अगर आप किसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एजेंसी को चूज करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ जल्दी होगी। तो ये पहली चीज़ है कि कैसे आपको करना है, आपको ये सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज़, आप किसी भी फॉर्म को सेलेक्ट करिए, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको रेडी रखनी है, वो है आपकी फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, अपने बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी हो सकती है, जो आपने पीछे किया है उससे रिलेटेड रिटर्न टैक्स, आपकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, रिव्यूज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया गूगल पे फेसबुक पे वीडियो रिव्यूज हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके पिक्चर्स इवेंट्स की, कस्टमर्स की, और जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया, आपके सेटअप है, आपका ऑफिस है, वो सारी पिक्चर्स होनी चाहिए।
और ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। वैरायटी ऑफ इवेंट जो आपने कवर किए उसके कैटलॉग्स आप ले सकते हैं और वो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली पर्सनलाइज जो इवेंट्स होते हैं उनके केस में। टॉपिक्स फॉर कंटेंट, अगर एक्चुअली आप SEO कराने जा रहे हैं और आपने वेबसाइट क्रिएट कराई है तो क्या टॉपिक्स पे ब्लॉग आपका जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो लिखेगी, आप खुद लिखेंगे, वो टॉपिक्स आप लिस्ट आउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं जानती, तो वो की पॉइंट्स के बेसिस पे वो प्रोफेशनली उस कंटेंट को प्रोफेशनल राइटर से ड्राफ्ट करके एक प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग क्रिएट करेंगे और उसको रैंक कराएंगे। तो ये जो भी कंटेंट है आपके काम का है, अगर आप खुद कर रहे हैं या किसी एक्सपर्ट से करा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ही एक्चुअली हेल्प करती हैं आपको डिजिटली रैंक कराने में, चाहे वो कंटेंट हो, टेक्स्ट हो, ब्लॉग हो, पोस्ट हो, ये सारी चीज़ें एक्चुअली वर्क करती हैं। तो अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग एक वे है मार्केटिंग का, कंटेंट के जरिए साइलेंट वे है जिसमें आप अपने कस्टमर तक रीच आउट करते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन के थ्रू, और कस्टमर एक्चुअली फिजिकली आपको कॉन्टैक्ट करता है आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे या डायरेक्टली आपसे मिलने भी आ सकता है। तो ये सारी टिप्स ही जो हमने आपसे शेयर की हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट सारी चीज़ें शेयर करी हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और अगर आपकी क्वेरीज हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी टिप्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग फॉर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा और आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर इंक्वायरीज, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और इसी तरह के और भी आगे काम के वीडियोज़ लेते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।